नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर चिकन करी टमाटर से बनाई जाती है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जिसमें मैं टमाटर का यूज नहीं करूंगा और मेरी रेसिपी का नाम है दही चिकन। हम ले रहे हैं करी कट चिकन और चिकन का वेट हमारा कटने के बाद 850 ग्राम। अब मैरिनेट करने के लिए मैं डाल रहा हूँ दही 150 ग्राम, 6 हरी इलायची और 6 लौंग। इसे मुझे कूटना है। अब हम कूटे हुए इलायची और लौंग को मिला रहे हैं दही में, साथ में डालेंगे जावित्री, यहीं पे क्रश किया हुआ धनिया, स्वाद अनुसार नमक और स्पाइसी करने के लिए वाइट पेपर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच डालना है। अब हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने से फ़ायदा ये होता है कि चिकन एब्जॉर्ब कर लेता है मसाले को और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। अब इसे हम 1/2 घंटा के लिए बाहर छोड़ देंगे, तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला भून लेते हैं। अब दही चिकन हम बनाएंगे देसी घी में, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, 150 ml घी। जब तक हमारा घी गर्म होता है हम फटाफट बना लेंगे पेस्ट। और मैं ले रहा हूँ 50 ग्राम लहसुन, 20 ग्राम कटा हुआ अदरक, 6 हरी मिर्च, इसे हाथ से तोड़ के डालेंगे। हमें पेस्ट को फाइन नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है, तो हम पानी कम डालेंगे। चलिए बनाते हैं इसका एक दरदरा पेस्ट। हमारा दरदरा पेस्ट बन के तैयार है। अब घी में हम डालेंगे तेज़पत्ते तोड़ के, 2 दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च। सबसे पहले हम डालेंगे पेस्ट जिसको हमने अभी बनाया है, भूनते हैं। अदरक लहसुन और ग्रीन चिली के पेस्ट को लाल होने से पहले हम डाल देंगे स्लाइस प्याज, 200 ग्राम स्लाइस प्याज, और इसे भी भूनना है। 1 चुटकी हल्दी, ज़्यादा नहीं, ये काफ़ी होगा। धनिया पाउडर ये हम डाल रहे हैं 1/2 छोटे चम्मच, इसे भून लेंगे। अब हम मिलाते हैं मैरिनेटेड चिकन, चला लेते हैं और हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है। दही मुर्ग की ये रेसिपी बहुत अलग है और यूनिक भी है। अभी तक हमने ऐसे कोई भी मसाले नहीं डाले हैं जो दही के टेस्ट को, फ्लेवर को डोमिनेट करे और उसमें अपना प्रभाव छोड़े। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ कटा हुआ हरा धनिया, 40 ग्राम काजू का पेस्ट, चला लेते हैं। काजू से रिचनेस आएगी और दही के खटास को हल्का कंट्रोल करेगी और दूसरा बॉडी देगी ग्रेवी को। काजू डालने से आप देखेंगे कि कलर आपका जो ग्रेवी में था वो सेम रहेगा, ख़राब नहीं होगा, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। सब रीजन की वजह से रेसिपियाँ अलग होती हैं और हर रेसिपी की एक खूबी होती है। यहाँ खूबी यही है कि जब भी आप दही मुर्ग बना रहे हो तो आप थोड़ा सा काजू का पेस्ट जरूर डालें। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, करी का मतलब होता है सेमी फूड या सेमी ड्राई फूड, जो मसालों के उचित उपयोग से प्राप्त होता है। करी में ही कई तरह की वैरायटी होती हैं, जिसको आप कोरमा बोलते हैं, कलियां बोलते हैं, सालन बोलते हैं, बाकी सारी रीजनल करियां, और हम पूरे दुनिया में करी के लिए जाने जाते हैं। अब हम डाल रहे हैं गर्म पानी और हमने 750 ml पानी का इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दही मुर्ग बन के तैयार है, आइए प्लेटिंग करते हैं। दही मुर्ग को हम सर्व कर रहे हैं कढ़ाई में। कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक। दही मुर्ग एक अलग तरह की रेसिपी और इसके स्वाद के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। आप यूं ही हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, हम आपके लिए अलग अलग तरह की रेसिपियां लेके आते रहेंगे। रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वायरी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से अश्वनी कुमार सिंह पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।